नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणित में चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित बहुत ज्यादा कठिन लगता है और कुछ बच्चे सवालों में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। अब गलतियां होती क्यों है, क्योंकि आपको जो चिन्ह होते हैं इन चिन्हों का सही प्रयोग नहीं पता। ठीक है, अगर मैं आपको कोई सवाल दे दूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि माइनस का 2 इसका आप गुणा करिए माइनस के 5 में, ठीक है, तो इसको बहुत सारे बच्चे हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि भाई इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारी गलतियां चिन्हों में होती हैं, जिस वजह से आपके सवाल गलत होते हैं, आपको गणित कठिन लगता है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर गुणा का रूल सीखेंगे, यहां पर जोड़ है तो हम सबसे पहले गुणा का सीखते हैं, फिर इसके बाद में हम बाकी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा जो पहला रूल है, अब इसमें देखिए एक है माइनस की संख्या यानी माइनस का 2 है, इसमें हमें गुणा करना है एक और माइनस की संख्या यानी माइनस के 5 का। ठीक है, तो जब भी हम इसको हल करेंगे, ठीक है, देखिए यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, जब दो माइनस की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया हमारा 10। अब यहां पर क्या है, प्लस का 10। हम क्या करते हैं, अगर प्लस की कोई भी संख्या होती है तो हम उसमें प्लस लगाते नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई इसका आंसर जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, समझ में आया कि जब भी हम दो माइनस की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस की संख्या आएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरा रूल देखिए, एक संख्या है माइनस की और दूसरी संख्या है प्लस की। ठीक है, तो अब देखिए भैया यहां पर प्लस और माइनस की लड़ाई होती है। ठीक है, जब प्लस और माइनस दोनों की लड़ाई होती है तो हमेशा क्या जीतता है, माइनस जीतता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। ठीक है, समझ में आया भाई, दो चिन्हों की लड़ाई होती है माइनस और प्लस की, तो हमेशा माइनस जीत जाता है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, तो ये आ गया हमारा 12। ठीक है, और जब भी कोई भी माइनस की संख्या को हम लिखते हैं तो उसमें चिन्ह जरूर लगाते हैं कि भाई ये जो संख्या है ये माइनस की है। ठीक है, समझ में आया, तो जब भी हम एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, तीसरा रूल समझिए, यहां पर देखिए दो प्लस की संख्याएं, प्लस का 6 है और प्लस का 2 है, तो यहां पर माइनस की तो कोई बात है ही नहीं, तो सीधी बात है कि भैया यहां तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, तो ये आ गया हमारा कितना, 12। ठीक है, तो यहां पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे भाई 12 जो है यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं जोड़ के रूल पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक संख्या हमें दी गई है माइनस की और एक संख्या दी गई है प्लस की, हमसे कहा गया है कि भाई इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, इन दोनों को जोड़ने को कहा गया है, तो वो इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं कि भाई 5 × 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका सही रूल क्या है, देखो यहां पर क्या है, माइनस का 3 और यहां पर है 5, तो जब भी आपको अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ने को कहा जाए, ठीक है, एक माइनस की और एक प्लस की है, इनको भले ही आपको जोड़ने को कहा गया है लेकिन इनके बीच में हमेशा क्या होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है कि माइनस की है। ठीक है, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है, अब 5 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब प्लस का 2 है तो हम प्लस नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया, अगर हमारी संख्या माइनस की बड़ी होती, ठीक है, प्लस की बड़ी है तो प्लस आया, अगर माइनस की संख्या बड़ी होती तो हमेशा क्या आता, माइनस आता। ठीक है, इसको ऐसे समझो, देखो यहां पर मान लीजिए ये 3 हमें दिया गया है, मान लीजिए यहां पर 6 होता, ठीक है, अब माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस के 6 में से 5 को घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आया कि जो संख्या बड़ी होगी यानी प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस आएगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच में घटाना होगा। ठीक है, अब दूसरा रूल देखिए, यहां पर माइनस का 2 है, हमें कहा गया है कि माइनस के 2 में से माइनस के 3 को घटाइए। ठीक है, अब यहां पर इसको समझिए, इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे तब हमें ये सवाल आगे समझ में आएगा। ठीक है,
अब यहां पर क्या है, माइनस का दो, तो माइनस का दो ऐसा ही लिख देते हैं। अब देखो ये है माइनस की संख्या, यानी यहां पर हम मान सकते हैं कि माइनस का वन है, कुछ भी नहीं है तो हम मान सकते हैं माइनस का वन है, ठीक है। अब माइनस का वन और माइनस के तीन को यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब भी दो माइनस की संख्याओं को गुणा किया जाता है तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्लस और यहां पर हो गया तीन। अब देखिए एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो क्या होगा, आपस में घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो प्लस आएगा, और तीन में से दो चले जाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, मतलब कि प्लस का एक, मतलब कि एक हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह से चिन्ह दिए गए हैं तो चिन्हों का सबसे पहले गुणा होगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह आएगा प्लस का, और तीन में से दो घटा देंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए तीसरा रूल समझते हैं। अब यहां पर देखो एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, हमसे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, ठीक है। तो इसको भी हम इसी की तरह करेंगे। देखो सबसे पहले तो पहली संख्या है माइनस का दो, ठीक है। अब प्लस और माइनस, ठीक है, हमें पता है कि एक संख्या प्लस की हो, ठीक है, इसका यदि हमें दूसरी प्लस की संख्या में या माइनस की संख्या में गुणा करना हो, ठीक है, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, माइनस जीत जाता है, मतलब चिन्ह काय का आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, देखो भाई यहां पर है प्लस, और प्लस और माइनस की लड़ाई होगी तो हमेशा कौन जीतेगा, माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये जो पांच है ये आ जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है। समझ में आया। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो जब भी समान चिन्ह होते हैं, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो हम दोनों चिन्हों को क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। संख्याएं दोनों माइनस की हैं तो चिन्ह आएगा माइनस का, और पांच और दो कितने हो जाएंगे, सात, तो ये हो जाएंगे माइनस का सात, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले देखो भाई ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, इन दोनों को जोड़ने को कहा गया है, तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला देखिए, प्लस का फोर है और प्लस का छह है, हमें क्या आ गया है कि इन दोनों को जोड़ो, तो यहां पर माइनस की कोई भी बात है नहीं, तो दोनों को सीधे सीधे हम जोड़ देंगे कि भाई छह और चार कितने हो जाएंगे, दस हो जाएंगे, और यहां पर चिन्ह हमेशा काय का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम भाग का रूल और देख लेते हैं कि जब भी समान चिन्ह वाली और असमान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में भाग किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस का दो है, हमसे कहा गया है कि प्लस के दो में माइनस के तीन से भाग दो, ठीक है। तो यहां पर भी गुणा के जैसा ही रूल है कि भाई ये हो गया हमारा दो, और इसमें कहा गया है कि माइनस के तीन से भाग लगाओ, ठीक है। तो जब भी माइनस और प्लस का आपस में भाग होता है तो क्या जीतता है भैया, माइनस जीत जाता है, यानी आंसर आएगा माइनस का दो बटे तीन, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो भाई यहां पर क्या है, एक प्लस की संख्या और दूसरी भी क्या है, प्लस की संख्या, ठीक है। तो दोनों प्लस की संख्याओं को जब आपस में भाग किया जाएगा तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस की तो कोई बात है ही नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 15 में हमें भाग लगाना है 5 से, ठीक है। तो 5 से 15 में भाग लगाइए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो क्या आ गया है 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहां पर माइनस की कोई बात है नहीं तो माइनस आएगा ही नहीं, ठीक है। अब दो संख्याएं हैं, एक माइनस की है और दूसरी भी माइनस की है, ठीक है। दोनों माइनस की संख्याओं को आपस में हमें क्या करना है, भाग करना है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, तो देखो भाई सबसे पहले तो आ गया माइनस का 16, ठीक। इसके बाद में हमें भाग लगाना है माइनस के 4 से, तो माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल। अब 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो यहां पर क्या आया, प्लस आया। इससे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी दो विपरीत चिन्ह यानी प्लस और माइनस की संख्याओं को आपस में भाग किया जाएगा या गुणा किया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और जब भी दो समान चिन्ह यानी दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो भी प्लस आएगा, और दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो भी माइनस आएगा। अगर चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप चिन्हों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आप चिन्हों को हल करेंगे, इसी प्रकार से आप चिन्हों को समझेंगे तो कभी भी सवाल में गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपको चिन्हों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और अधिक अच्छा वीडियो आपको चाहिए तो यहां पर आई बटन पर एक वीडियो दिया गया, इसको आप देखिए, यहां पर मैंने फुल डिटेल में समझाया हुआ है कि चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।